गुड इवनिंग टू एवरीवन। साढ़े तीन बजे से माननीय हॉनरेबल इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से झारखंड का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दी। उसी समय से झारखंड में, पूरा झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रही है। झारखंड में दो फेस में चुनाव होगी। फर्स्ट फेस में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, सेकंड फेज में 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन है 18 अक्टूबर का होगी, सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेज का पोलिंग है 13 नवंबर का है, सेकंड फेज का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबका काउंटिंग 23 नवंबर का होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संभव होगा। इसमें इलेक्शन का समय का लेकर अभी वो कमीशन से नोटिफिकेशन निकलेगी, उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से शेड्यूल अनाउंस की जाती है। नोटिफिकेशन का शेड्यूल अभी निकलेगी, उसमें लास्ट इलेक्शन में कैसा था उसी तरफ से ही टाइमिंग रहेगी। कुछ बूथों पर थोड़ा सा एक अंडा कम होने की संभावना है सेक्रेटरीज का लेकर। कारण इसी बार हम लोगों का वो सनशाइन टाइम है, थोड़ा सा कम रहती है, सनलाइट कम रहती है नवंबर महीने में, उसी का ध्यान रखते हुए वो निर्णय लिया गया उसी को। बाकी सभी जगह पर पिछले लोकसभा चुनाव में कैसा 7-5 था उसी तरफ से ही होगी। केवल कुछ एग्जम्पशन होगा उसका, बारह में भी एक एक बूथ है उसका होगी। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लेंगे, समय 7-5 ही होगी। उसका क्या एग्जम्पशन है वो भी मैं आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से 13 तारीख तक हम लोग आपका फाइनल आपका कर देंगे। उसमें कमीशन इसी बार वो पूरा वो बात में केवल चार एम के बारे में बात की थी। उसमें इलेक्शन में मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों का एनफोर्समेंट के लिए बात की थी कमीशन। उसके बारे में उस संबंध में झारखंड में भी पूरा तरफ से हम लोग को सख्ती से लागू करेंगे। सभी जगह पर अपने अपने पदाधिकारी का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, बाकी अपने ज्वाइन करके कल से अपने काम में लग जाएंगे। उसी में इलेक्शन के प्रिपरेशन का लेकर फर्स्ट फेज में 18 का है, इसे कम समय है नोटिफिकेशन निकालने के लिए, तो अपने प्रक्रिया अपने समय पर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट इलेक्शन में भी आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, इस तरफ से भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ आपका पूरा तरफ से सहयोग अपेक्षित है। एक शांतिपूर्ण एक वित्त नॉलेज के साथ एक इलेक्शन करना मतलब उसका मीडिया का सहयोग आवश्यक पड़ती है। आपके साथ में आपका सहयोग से इसी बार एक शांतिपूर्ण चुनाव करेंगे। साथ में इसी बार वो वोटर का कितना समस्या लास्ट इलेक्शन में हुई थी उसका भी हम लोग इसी बार दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनसे भी कितना सुझाव मिली थी, कितना लाइन का कंट्रोल के संबंध में, स्पीड ऑफ वोटिंग का प्रोसेस के संबंध में, सब संबंध में हम लोग इसी बार उसमें डिटेल वर्कआउट किया। एक एक बिंदु पर स्पेशल ट्रेनिंग मॉडल तैयार किया था उन्हीं को, उनका वोटर का कोई असुविधा होना नहीं चाहिए उसमें। साथ में उनका वो समय पर हम लोग 7 बजे कैसे शुरू करना, माकपोल का संबंधित सभी एक एक बिंदु पर वो पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी फर्स्ट फेज फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग सभी जिला पर चल रही है उसका, उसके बाद एक एक राउंड में डिटेल ट्रेनिंग करके इसी बार हम लोग वोटर का भी पूरा तरफ से हम लोग एक सुविधाजनक इलेक्शन कराएंगे। साथ में एक ही कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार बताया गया था अर्बन आपत्ति के बारे में, अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही है उसी को, तो आपका माध्यम से अनुरोध है अर्बन एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका घर से आए बूथ पर उसके इलेक्शन दिन में। इसी बार बूथ में हम लोग को सुविधा भी बढ़ा दे रहा, इसलिए उनका वो कठिनाई कम होगी। साथ में कितना अर्बन एरिया है उनका बूथ में इंतजार समय कम हो, उसी के लिए हम लोग इसी बार एक ऐप का भी व्यवस्था कर दिया। उसका माध्यम से वो घर पर बैठ के भी देख सकते हैं अपने बूथ में कितना वोटर है। वो 18 असेंबली सेगमेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है का सबसे अर्बन एरिया है, वहाँ पर इसका लागू कर रहा, ताकि वो प्रत्येक वोटर का अपने घर से निकालने के पहले अपने बूथ में कितना वोटर है वो भी अपने ऐप का माध्यम से देख सकता है।
नहीं मतलब उसका व्हाट्सएप में एक मैसेज कर देंगे, उसी के माध्यम से भी उनका संबंधित बूथों पर उनका सूचना मिल जाती है। एक पोल डे मॉनिटरिंग के लिए एक PDMS ऐप तैयार करेंगे, पोल डे मॉनिटरिंग ऐप एक तैयार कराया हुआ उसको, उसका माध्यम से प्रत्येक बूथ का भी हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ से करेंगे। थैंक यू।